नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सिनाइटी कस्टमर को फिर स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं इंडिकेटर के बारे में, ठीक है, कि हमारा जो इंडिकेटर होता है वो महीने में जो हमारे घर में बिजली बिल आता है उसमें कितने का अंतर डालता है। अधिक अंतर नहीं डालता, कुछ अंतर डालता है, ठीक है, 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया जितना भी होता है एवरेज कुछ डालता है, पर उतना नहीं डालता, पर कितना डालता है वो भी हम आज देख लेंगे। तो जो हमारा इंडिकेटर होता है, अगर देखा जाए एवरेज कितना खपत करता है, कितना वाट लेता है, तो एवरेज अगर देखा जाता है तो ये 0.05 वाट से लेके, ठीक है, से लेके ये कितना तक देता है, ये 0.06 वाट तक खपत करता है 1 घंटे में, ठीक है, देखा जाए तो प्रति घंटे, ठीक है, इसका खपत है 1 घंटे में ये इतना वाट खपत करता है। अब डिपेंड करता है, जो हमारा इंडिकेटर होता है वो रेगुलर चलता है, ये तो हमारा चलता है भाई, कितना ये 24x7 चलते रहता है भैया, कुछ भी हो 1 घंटा का अगर खपत इतना, तो 24 घंटा ये रेगुलर चलेगा और 30 दिन भी रेगुलर चलेगा। अगर 30 दिन रेगुलर चलता है तो भैया इसका तो यूनिट आएगा ही, इसका कुछ तो बिल देना होगा आपको, ठीक है। तो ये होता क्या है इंडिकेटर में, अगर इंडिकेटर में देखा जाए, अगर इसको हम खोलते हैं तो इंडिकेटर में हमको निकलेगा इस तरीके से एक नियोन बल्ब, ठीक है, ये देखा जाए तो एक नियोन बल्ब रहता है, इसके साथ में एक रजिस्टर होता है। तो रजिस्टर का जो काम होता है, ठीक है, मैं अगर थोड़ा सा इसको देखा जाए तो ये रजिस्टर का जो हमारा काम होता है ये क्या करता है, ये रेगुलर 230 वोल्ट जो आता है, ठीक है, 230 220 240 के बीच में जो भी आता है इसको कंट्रोल करके क्या करता है, ये हमारा जो नियोन बल्ब उसको सेफ रखता है, ठीक है। बेसिक इसका काम वही है कि हमारा जो नियॉन बल्ब है जो रेगुलर जलता रहे। और इंडिकेटर क्या होता है, हमें पता चलता है कि हमारे घर में लाइन है या कट गया, या बहुत सारे काम में इंडिकेटर का यूज होता है। तो क्या हर जगह इंडिकेटर का यूज होता है, जितने भी बोर्ड होते हैं हर में इंडिकेटर का यूज होता है। अब यूज हो रहा तो भैया कुछ तो बिल का पैसा देना पड़ेगा, क्लियर बात है, ठीक है। तो हमको क्या करता है, अगर जानना है कि खपत कितना होता है बिजली बिल में, तो आपको जानना है कि अभी घर में कितने बोर्ड है, ठीक है, किन्हीं घर में 5, किसी के 7, किसी के 8, हर घर में अलग अलग बोर्ड होते हैं और हर बोर्ड में इंडिकेटर होता है। तो हम क्या करते हैं, दो एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एक घर में क्या करेंगे 5 इंडिकेटर ले लेंगे, एक घर में अगर 5 इंडिकेटर जल रहा है और एक घर में क्या करेंगे हम 10 इंडिकेटर जलाएंगे, जलाएंगे या जल रहा है उसका बिल पता चल जाएगा हमें, ठीक है, किस तरीके से पता चलेगा वो भी देख लेते हैं। अगर हमारा एक इंडिकेटर 1 घंटे में इतना खपत कर रहा है तो हमारा 5 इंडिकेटर 1 घंटे में कितना करेगा, तो हम क्या करेंगे 5 × 0.05 भी ले सकते थे, पर हम क्या करेंगे 6 को लेंगे, अधिक लेके चलते यार कम काहे ले, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 0.6 जब गुना करेंगे कितना आ जाएगा इसका, तो ये आ जाएगा हमारा 0.3 वाट। ये क्या हो गया, 1 घंटे में पूरे घर का, अगर किन्हीं घर में 5 इंडिकेटर है तो ये 5 इंडिकेटर का खपत इतना है, किन्हीं घर में 7 है तो 7 रख के गुना कीजिएगा, तो 1 घंटे में कितना खर्चा हो रहा है, कितना वाट उसका खपत हो रहा है वो बता देगा। हम सिम यहाँ 10 इंडिकेटर लिए, तो हम क्या करेंगे 10 × 0.06 वाट, ठीक है, यहाँ वाट मैंने लिखा, वाट लिख देता हूँ। अब क्या करते हैं, अगर गुना करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.6 वाट, ठीक है। ये हो गया हमारा कितना, 1 घंटे का पूरे घर का इंडिकेटर खपत, इसका भी हो गया 1 घंटे का पूरा इंडिकेटर, घर में अगर 10 इंडिकेटर है 10 इंडिकेटर का खपत। अब हम क्या करते हैं, इसको 24 घंटे निकालना होगा भैया, ये तो हमारा क्या है 24x7 चलता है, तो हम क्या करेंगे 0.3 वाट, ये 1 घंटे का जो खपत था टोटल इंडिकेटर का हम 24 से गुना कर देंगे। जब इसको हम 24 से गुना करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 7.2 वाट। ये क्या हो गया, एक मैंने पूरे दिन में, एक दिन में अगर 5 इंडिकेटर इनका जल रहा है पूरे घर में, तो एक दिन में इतना वाट खपत हुआ, किन्हीं घर में 10 इंडिकेटर जल रहा था, ठीक है, तो इनको क्या करना है 10 इंडिकेटर का, तो यहाँ 1 घंटे का निकाल दिया था कितना 0.6 वाट, 1 घंटे का खपत था 10 इंडिकेटर का, इंटू 24 घंटे का निकाल लेंगे पहले हम, ठीक है, 24 घंटे का निकालते हैं तो इसका क्या हो जाएगा 14.4 वाट। ये क्या हो गया, एक दिन में जो खपत हुआ 5 इंडिकेटर का इतना हुआ, 10 इंडिकेटर का इतना खपत हुआ। अब हम क्या करना भाई, मेरा बिल तो आता 30 दिन में, महीने भर का बिल आता भैया सबका, तो हमको क्या करना है 7.2 वाट × 30, 30 दिन का हमारा दिन होता है, 30 दिन का अगर हम गुना करेंगे अब कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 216 वाट आवर। अब आवर भी को जोड़ देते कि घंटा ऐड किया हुआ, यहाँ भी जोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमको क्या करना जानना है, एग्जाम में तो नहीं बैठने जा रहे, हम क्या करते हैं अब यहाँ पे 14.10 इंडिकेटर का भी निकाल लेते, ये हमारा एक दिन का खपत निकला था 14.4 वाट। अब क्या करते हैं, इसको हम 30 दिन से गुना कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा 30 दिन में ये 10 इंडिकेटर कितना खपत किया है। अब हम अगर 30 से इसको गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 432 वाट आवर, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा खपत किया है, 10 इंडिकेटर हमारे 1 महीने में इतना खपत किया, 5 इंडिकेटर 1 महीने में इतना खपत किया, आपके घर में 7 है तो 7 रख के कीजिएगा, ठीक है, 5 की जगह 7 रखिएगा तो भी आपको पता चल जाएगा कि आपका जो घर का इंडिकेटर है वो 1 महीने में कितना खपत किया। खपत तो हो गया इतना, बिल आएगा, तो बिल जो आता है ये यूनिट में आता है,
ठीक है, जो हमारा बिल आता है ये तो हमारे यूनिट में आता है भैया। तो यूनिट, एक यूनिट में क्या होता है, 1000 वाट होता है हमारा, एक यूनिट में 1000 वाट होता है। तो हमको इसको यूनिट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसको हमको यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, हमको इसको 1000 से डिवाइड करना होगा। तो हम क्या करते हैं, 216 वाट किलोवाट जो था इसको हम 1000 से डिवाइड करते हैं। तो ये जो डिवाइड होकर निकलेगा तो ये क्या होगा, हमारा उतना यूनिट का खपत दिखाएगा कि हमारा जो ये 5 इंडिकेटर में कितना यूनिट खपत हुआ वो हमें यहाँ पता चल जाएगा। तो ये कितना खपत हुआ, तो ये खपत हुआ हमारा 0.216, ठीक है, वाट आवर। ये हमारा जो खपत हुआ है, ये इतना यूनिट खपत हुआ हमारा कहाँ, 5 इंडिकेटर में। सेम अगर हम यहाँ पे 10 इंडिकेटर में, 10 इंडिकेटर महीना भर का था, हमको इसको यूनिट में कन्वर्ट करना है। यूनिट कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड करेंगे। 1000 से जहाँ डिवाइड किया हम, क्या हुआ यहाँ पे 0.432, और ये क्या हो गया, ये इतना यूनिट खपत हुआ आपका 10 इंडिकेटर का, ठीक है। अब इतना यूनिट खपत हो गया भैया, अब आपको पैसा देना है, ठीक है। चलिए पैसा, अब पैसा देना तो ये जान लो, जान लेना चाहिए कि हर स्टेट में अलग अलग रेट है। जो हमारे यूनिट का रेट होता है हर जगह अलग होता है, कहीं कहीं सब्सिडी भी मिलती है। तो डिपेंड करता है कि आपके घर में, आपके स्टेट में क्या रेट चल रहा है, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, हम दो रेट लेते हैं, किन्हीं के यहाँ 5 रुपया भी चलता है, किन्हीं के यहाँ 6 रुपया अगर ले दिया जाए, तो हमारा अगर खपत हुआ इतना, ये महीना भर का खपत है 0.216, हमको क्या करना, 5 रुपये का रेट से अगर लेते हैं तो कितना आएगा, ठीक है। 5 रुपये का रेट से लेंगे तो हमको कितना पड़ जाएगा, यहाँ पे 1 रुपया 8 पैसा, ये आ गया 1 रुपया 8 पैसा 5 इंडिकेटर का, अगर 5 रुपये का रेट से। अगर 6 रुपये का रेट से तो वीक देख लेते हैं, इतना लेना इतना यूनिट का खपत इंटू 6 रुपये का रेट, 6 रुपये का रेट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 रुपया 29 पैसा, कोई दिक्कत नहीं। सेम अगर 10 इंडिकेटर का लिया जाए, हम अगर यहाँ पे 10 इंडिकेटर का लेते हैं, इतना यूनिट खपत हुआ था 0.432, ठीक है, इंटू 5 रुपये का रेट से कर लिया जाए, ये क्या हो गया यूनिट चार्ज। इसे 5 रुपया यूनिट, 6 रुपया यूनिट जो मिलता है उस हिसाब से ये यूनिट चार्ज दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। 5 रुपये का अगर यूनिट से मिल रहा है तो कितना खपत होगा, तो 2 रुपया 16 पैसा, ठीक है। अगर 6 रुपये का रेट से मिल रहा, 6 रुपये का रेट से मिल रहा तो कितना खपत होगा, तो 2 रुपया 59 पैसा, ठीक है। एवरेज देखा जाए, 10 इंडिकेटर भी चल रहा है तो आपका क्या हो रहा, 2 रुपये 2.5 रुपये का बीच में पड़ रहा। 5 इंडिकेटर भी चल रहा तो 1 रुपये का बीच में पड़ रहा, 1 से 1.5 रुपये का बीच में, ठीक है। तो अधिक इफेक्ट नहीं करता, पर 2 रुपये 3 रुपया हर आदमी इंसान के लिए ज़रूरत होता है, पैसा का अहमियत अलग है। तो ये बेसिक क्लियर है, ठीक है। अगर 5 भी चला रहे तो एवरेज इतना पड़ेगा, 10 चला रहे तो इतना पड़ेगा, 4, 5, जो 6 भी है, ठीक है। आपको यहाँ पे सेम इसी तरीके से आप काम कीजिएगा, यहाँ पे अलग एक चीज़ रख दीजिएगा, जो आपका इंडिकेटर है तो आपको पता चल जाएगा कि आपके घर में इंडिकेटर से कितना बिजली का बिल आ रहा है। चलिए, धन्यवाद।